नहीं की, प्रॉपर ड्यूटियां कर रहे हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट को हमारी सेवा दे रहे हैं, फिर भी लोग बाग नहीं समझते। और उनको यहाँ तक कि कल पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई हुई। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारी जिम्मेदारी सीएम उच्च सर ले, वो हमारी पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी ले। यदि कल तो 5 स्टूडेंट के साथ हुआ था, एक मैम के साथ हुआ था, डॉक्टर मैम के साथ, कल यदि इन गर्ल्स की ड्यूटियां लगे तो ये क्या करेगी वहाँ पे, किनकी सहायता मांगेगी वहाँ पे? तो पूरी जिम्मेदारी सीएम उच्च सर की है यहाँ पर। वो कहेंगे या आएंगे, एक बार हमें आश्वासन देंगे, उसके बाद हम ड्यूटी जाएंगे। बट जी भैया, कल क्या हुआ था सर? वो क्या, हम कल कोरोना की हरवे के लिए हम क्या ड्यूटी पे गए थे ना, तो वहाँ पे क्या हमारे कुछ लोगों ने वहाँ के 30 अगस्त सुभाष नगर के अंदर बदतमीजी की थी। उन्होंने मतलब कि हमने उनको आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाए, तो हम हमारे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सारे उन्होंने फेंक दिए। हमने मतलब कि मतलब कंट्रोल रूम के अंदर फ़ोन किया, तो वहाँ पे पुलिस आई, उनके साथ भी उन्होंने क्या बदतमीजी की। फिर क्या हमने सीआई साहब को बुलाए, सीआई साहब ने बुला के फिर उनको अंदर अंदर बिठाया, और हमारे साथ मतलब कि उन्होंने ऐसा व्यवहार किए और मारने की भी हमको धमकी बार बार दे रहे थे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था उनका, एक वीडियो भी वायरल हुआ। हाँ, और उन्होंने लाइव फेसबुक पर हमारा वीडियो अपलोड किया है, और हमारी मैम के साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया है। और लॉकडाउन के दौरान होते हुए भी मतलब उन्होंने धारा 147 का सारों ने उल्लंघन किया है। इसको लेकर देखते हैं सर, सर इसके लिए खुद मतलब की कार्रवाई कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम है राहुल रणवा। टीम में कौन कौन शामिल था? हम टीम में थे, एक तो चंदू था, एक आशीष था, एक ओम प्रकाश था, एक था सामर्थ। आर आर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राहुल रणवा।